हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी 7 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.1। आज हम लोग देखेंगे 13.1 का 17 नंबर से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पर दिक्कत होती है, कहीं पर नहीं समझ में आते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर का सवाल। देखिए, किसी कोण के लंब पूरक कोण तथा सम पूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर अनुपात दिया गया है लंब पूरक, ठीक ना, और उसका सम पूरक। लंब पूरक मतलब 90 डिग्री वाला, बस पूरक हम लोग पहले देखे हैं पूरक और अभी लिखा है लंब पूरक, मतलब दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री का होता है तो उसको बोलते हैं लंब पूरक, और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं सम पूरक। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए दिया गया है यहाँ पर लंब पूरक और सम पूरक, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर माना वह कोण बराबर x, ठीक है ना। तब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से देखिए यहां पर दिया गया है x, ठीक ना, हम लोग माने हैं x और यहां पर लंब पूरक है। लंब मतलब देखिए 90 डिग्री, ठीक ना, हम लोग लंब पूरक निकालते थे पहले, मतलब पूरक निकालते थे तो क्या करते थे 90-x लिखते थे। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला यहां पर क्या है, संपूरक। संपूरक का हम लोग 180-x करते हैं, ठीक ना, यहां पर अनुपात दिया गया इसलिए यहां पर बटे देना है। उसके बाद फिर बराबर, फिर देखिए यहां पर जो अनुपात दिया गया 2:5 उसको यहां पर लिखेंगे 2/5। मैंने देखिए यहां पर अनुपात को बटे के रूप में लिखा है, मतलब कि अनुपात को हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा समीकरण बन गया, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान आएगा और वही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणन, 5 को 90-x के साथ गुना करेंगे और 2 को गुना करेंगे 180-x के साथ, ठीक ना। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 5 (90-x), 5 को इसके साथ गुना किए, अभी 2 को इसके साथ गुना करेंगे, मतलब 180-x को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा यहां पर जो बराबर है बराबर लगेगा, फिर 2 × 180-x। क्लियर है इतना? अब देखिए यहां पर हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक ना, दोनों तरफ से 5 को 90 से गुना करेंगे, 9×5=45, फिर एक जीरो उसको लगा देंगे, फिर यहां पर माइनस से माइनस देंगे, फिर 5 को x के साथ गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। क्लियर है? फिर बराबर यहां लगाएंगे, फिर 2 को 180 के साथ गुना करेंगे, 18×2=36 होता है, फिर एक जीरो, तो 180 को 2 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, फिर 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखिए अभी हम लोग x x वाला ग्रुप को एक साइड रखेंगे, यहां देखिए -5x है और यहां पर -2x है, इधर -5x को मैं लिख देता हूं, उसके बाद ये वाला देखिए यहां पर -2x से बराबर का इधर लाएंगे तो यहां पर +2x हो जाएगा, फिर देखिए यहां पर 360 है, उसके बाद यहां पर 450 है, 450 को बराबर का इधर लाएंगे तो हो जाएगा -450। क्लियर है? जब पक्षांतरित करते हैं तो माइनस प्लस चेंज हो जाता है। क्लियर है ना? देखिए -5 में +2x जोड़ेंगे हम लोग, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा -3x, मतलब कि 5 में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन 5 और 2 में से बड़ा है 5 और 5 में माइनस है इसलिए यहां पर माइनस लगा है, फिर बराबर। उसके बाद देखिए अभी हम लोग 450 में 360 माइनस करेंगे, 450 में 360 माइनस करेंगे तो बचेगा यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 9 उसके बाद इधर 0, तो इस तरह 90 बच गया, 90 को यहां पर लिख देना है। देखिए दोनों में से बड़ा कौन है 450, ठीक ना, 450 में माइनस है और यहां पर प्लस है इसलिए यहां पर माइनस लगेगा, और देखिए बराबर का दोनों साइड माइनस है तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हम लोग एक्स को लिखते हैं बराबर, अब यहां पर 90 है, 90 को लिखने के बाद 3 को हम लोग इधर लाएंगे बराबर का दूसरा साइड, 3 और 1 के बीच में यहां पर गुना है, इधर आकर भाग में हो जाएगा, ठीक है, तो इसको काट देंगे। देखिए 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, उसके बाद एक जीरो है उसको लिख देंगे, तो इस प्रकार x = 30, ठीक ना, तो इस तरह 30 हमारा आंसर हो गया है। अब देखिए 18 नंबर, दो लंब पूरक समकोणों का अंतर
15 डिग्री है कोण का माप ज्ञात कीजिए। यहां पर भी लंबपूरक है, ठीक ना, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए दो कोणों का योग। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि पहला कोण x है, लिखते हैं माना पहला कोण बराबर x, क्लियर है। अब दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण, पहला कोण x से है तो दूसरा कोण हो जाएगा x प्लस 15, क्लियर है ना। यहां पर देखिए दोनों का अंतर बोला गया कितना 15 है, इसीलिए हम लोग x प्लस 15 लिखे हैं। अब लिखते हैं प्रश्न अनुसार या प्रश्न से, प्रश्न से, तो देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे दो, पहला कोण ये है दूसरा कोण ये है और दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होना चाहिए, लंब पूरक बोला गया है, दोनों को जोड़ देंगे x प्लस 15, क्लियर है। यहां पर देखिए x और यहां पर x प्लस 15 बराबर 90। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए यहां पर एक एक्स फिर एक एक्स, टोटल 2x हो जाएगा, 2x प्लस 15 बराबर यहां पर 90। अब 15 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहां पर 2x लिखते हैं फिर 90 को लिखेंगे फिर माइनस 15 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस 15 प्लस 15 बराबर के इधर आकर माइनस 15 हो गया है। अब इसको लिखते हैं 2x बराबर 90 में हम लोग 15 घटाएंगे तो 75 बच जाएगा, 75 डिग्री, क्लियर है। अब देखिए यहां पर x लिखेंगे बराबर, 2 को बराबर का इधर लाएंगे, 2 और x के बीच में गुना है तो इधर भाग में हो जाएगा, पहले 75 को लिखने के बाद बटे 2, क्लियर है ना। यहां पर देखिए 2 को हम बराबर का दूसरा सेट ले आए हैं तो भाग में हो गया है, इसको काटेंगे हम लोग कितना बचेगा, चलिए यहां पर मैं भाग देता हूं 75 को 2 से, 2 3 6 माइनस करने से 1 बचेगा, फिर यहां पर 5 उतार देंगे 15, 2 7 14 1 बच गया, फिर यहां पर पॉइंट लगाकर 0, फिर 2 5 10 कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो हम लोग यहां पर 37.5 आया उसको लिख देंगे x बराबर 37.5, क्लियर है। आप इसे चाहे तो इसे काट सकते हैं, तो इस तरह x बराबर 37.5 ये पहला कोण है, हम लोग लिखते हैं आंसर, अतः पहला कोण बराबर x बराबर क्या है, x का मान 37.5 डिग्री, क्लियर है। और दूसरा कोण, दूसरा कोण बराबर x प्लस 15, यहां पर देखिए x प्लस 15 मान रखेंगे, x का मान है 37.5 फिर जोड़ 15, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना, 37.5 को 15 से जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52.5 डिग्री। तो इस तरह 37.5 पहला कोण हो गया, दूसरा कोण 52.5, ये दोनों हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर पर, 19 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित चित्रों के अनुसार x, ठीक ना, x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर चित्र को देखकर x का मान ज्ञात करना है, यहां पर x है, क्लियर है। तो चलिए बनाते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पर एक सीधी रेखा है, ठीक ना, रैखिक है यहां पर, तो हम लोग दो कोण को जोड़ते हैं, अगर एक सीधी रेखा बनता है उसको रैखिक युग्म बोलते हैं। यहां पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, 110 को और x को जोड़ देंगे तो 180 मिलना चाहिए क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, यहां पर लिखेंगे 110 डिग्री जोड़ x बराबर, दोनों को जोड़ने से 180 होना चाहिए, कौन सा एक नियम है रैखिक युग्म, यहां पर लिख देते हैं रैखिक युग्म। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x का मान आ जाएगा, x को यहां पर लिख देते हैं बराबर 180 डिग्री। अब यहां पर देखिए 110 से 110 को बराबर का इधर लाएंगे तो यहां पर देखिए प्लस से इधर आकर माइनस 110 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए x का मान निकालेंगे, x बराबर 180 में 110 माइनस करेंगे तो हमारे पास 70 डिग्री बचेगा, तो इस तरह x का मान 70 डिग्री हमारा हो गया आंसर, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, दूसरा नंबर देखिए x यहां पर है और x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना, और यहां पर भी रखिए क्योंकि हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहां पर 60 को जोड़ेंगे फिर ये वाला 60 को जोड़ेंगे फिर x को जोड़ेंगे, एक सीधी रेखा बन रहा है ऐसे करके, ऐसे 180 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक ना, एक सीधी रेखा में है सब, तो यहां पर भी
रैखिक युग्म से बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे, देखिए कोण देकर लिखेंगे, कोण ए ओ डी जोड़ कोण डी ओ सी फिर जोड़ कोण सी ओ बी, सबको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, उस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ डी ये वाला कोण, फिर डी ओ सी ऊपर वाला कोण जोड़ कोण डी ओ सी जोड़, फिर यहाँ पर कोण सी ओ बी कोण सी ओ बी, तीनों को जोड़ने से हम लोग का मिलना चाहिए 180 डिग्री। क्लियर है? अब सबका मान रखते हैं, कोण ए ओ डी का मान है 60 डिग्री जोड़, फिर कोण डी ओ सी का भी 60 डिग्री जोड़, कोण सी ओ बी इसका एक्स है बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 60-60 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री जोड़ एक्स बराबर 180 डिग्री। अब x को लिखेंगे यहाँ पर, फिर बराबर 180 लिखेंगे यहाँ पर, फिर देखिए 120 को बराबर का इस साइड लाएंगे, ठीक ना, इधर लेफ्ट साइड है राइट साइड लाएंगे तो यहाँ पर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा माइनस 120 डिग्री। अब x बराबर 180 में 120 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 60 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरह x बराबर 60 डिग्री हमारा हो गया है आंसर। फिर तीन नंबर देखिए, तीन नंबर में यहाँ पर x है, दिख रहा है x, x का मान निकाले हम लोग को, और देखिए यहाँ पर एक सभी कोण को हम लोग जोड़ देंगे, जैसे कि 80 डिग्री का कोण को 120 का, यहाँ पर 90 को, 30 को और x को, तो टोटल मिलना चाहिए 360। क्लियर है ना? एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ नेमिंग कर देते हैं ताकि यहाँ पर कोण का नाम लिखने में आसानी होगा। इसको हम लोग ओ लिख देते हैं, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई। क्लियर है? अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कोण ए ओ बी जोड़ कोण बी ओ सी फिर जोड़ कोण सी ओ डी उसके बाद कोण डी ओ ई फिर कोण ई ओ ए, सबको जोड़ देंगे तो 360 होना चाहिए। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी जोड़ कोण बी ओ सी फिर कोण सी ओ डी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ई डी ओ ई फिर जोड़ कोण ई ओ ए कोण ई ओ ए। क्लियर है? अब सबका मान रखेंगे यहाँ पर बराबर 360 होना चाहिए, ठीक ना, 360 डिग्री। अब चलिए सबका मान रखते हैं, यहाँ पर 80 डिग्री जोड़ 120 डिग्री जोड़ 90 डिग्री जोड़ यहाँ पर 30 डिग्री जोड़ यहाँ पर देखिए x है x बराबर 360 डिग्री। क्लियर है? ये वाला 360। अब चलिए यहाँ पर 80 को जोड़ेंगे, 120 को जोड़ेंगे, 90 को जोड़ेंगे, 30 को जोड़ेंगे। 80 में 120 जोड़ते हैं तो 200 हो जाता है, 200 में फिर 90 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा, 290 में फिर 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 320 डिग्री। क्लियर है? जोड़ x बराबर देखिए 360 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, 320 को इधर लाएंगे बराबर का, यहां पर लिखते हैं x बराबर 360 डिग्री माइनस 320 डिग्री। क्लियर है? 320 डिग्री यहाँ पर प्लस में है, बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस लगाए हैं। अब x बराबर 360 में हम लोग 320 माइनस करेंगे तो बचेगा 40 डिग्री, तो इस तरह 40 डिग्री आंसर आ गया। देखते हैं अगला चौथा नंबर, चौथा नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर एक आकृति है, नेमिंग किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ पर x का मान निकालना है, ठीक ना, और मान देखिए दिया गया है कितना 3x और यहाँ पर 6x दिया गया है, हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं और देखिए यहाँ पर एक सीधी रेखा बन रहा है, मतलब 180 होगा रैखिक युग्म से। हम लोग लिखते हैं कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी को जोड़ देंगे किसके साथ, कोण बी ओ सी के साथ, बी ओ सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा बन रहा है यहाँ पर, दोनों का योग ये हो जाएगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। क्लियर है इतना? अब चलिए मान रखते हैं कोण ए ओ सी, ए ओ सी देखिए 3x दिया गया है, लिखेंगे 3x जोड़ बी ओ सी देखिए 6x दिया गया है, 6x
बराबर 180 डिग्री, क्लियर है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और x x रह जाएगा, फिर 180 डिग्री, क्लियर है। अब x को इधर छोड़ देते हैं, बराबर 180 डिग्री, ठीक ना। अब यहां पर हम लोग देखिए 9 को बराबर का इधर लाएंगे, 9 और x के बीच में गुना है, इधर आकर भाग हो जाएगा, दोनों को काट देते हैं, 9 × 9, उसके बाद 9 × 2 = 18 और एक जीरो है, लिख देंगे 20, तो ऊपर 20 हो गया है, क्लियर है ना। तो हम लोग x बराबर 20 डिग्री, क्लियर है। तो इस तरह x का मान निकालना था, x का मान आ गया है 20 डिग्री, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह आज हम एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट किए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।